द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वो कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि रेडियस ऑफ एटम परमाणु का जो त्रिज्या होता है और उसके एज लेंथ यानी कोर की लंबाई में क्या रिलेशन होता है। पहले आप देखिए, ये दो आपका एटम है, गोले के रूप में है, दोनों का सेंटर आप देख रहे हैं। दोनों के सेंटर से जब हम मिलाते हैं एक रेखा तो ये क्या हो जाता है, ये आपका डायमीटर हो जाता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ होता है आपका ए बराबर बी बराबर सी और एंगल आपका होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब यहाँ देखिए गौर से, हमको आर निकालना है ना बेटा, आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ये डी बाई टू कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। अब बारी बारी से तीनों यूनिट सेल में हम एज लेंथ और रेडियस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है। इसके 8 कॉर्नर्स पर आपके 8 लैटिस पॉइंट हैं जो अभी परमाणु के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिंपल क्यूबिक में ये आपका, ये दोनों जो आपका एटम है इसको मैंने गोले के रूप में कन्वर्ट किया। गौर से देखेंगे, गोले के रूप में मैंने कन्वर्ट किया। अब देखिए ये सेंटर से गोले का अंतिम किनारा ये रेडियस और इस एटम का सेंटर से ये किनारा ये रेडियस हो गया। और ये दोनों का जो एज लेंथ है उसकी लंबाई को मैंने क्या लिया है, ए लिया है। अब गौर से देखिएगा कि एज लेंथ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है वो ए लिया गया है ना। और ए देखिए, ये एज लेंथ में कितने रेडियस हैं, दो गोला है और दोनों गोले का अलग अलग रेडियस यानी 2r है। तब देखिए 2r इज इक्वल टू ए। अब हमको रेडियस निकालना है ना, तो r इज इक्वल टू ए बाय 2 यानी आपका दोनों निकल गया, ए एज लेंथ भी निकल गया, एज लेंथ इज इक्वल टू 2r और चूंकि रेडियस भी आपको निकालना है एटम का तो r इज इक्वल टू ए बाय 2, ठीक है। उसी तरह फिर हम आते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर का मैंने बना दिया है, बार बार बनाते हुए मैंने आपको चर्चा भी किया है कि बेटा जब भी हम फेस बनाएंगे प्रत्येक फलक में आपका एक 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 आपका लैटिस पॉइंट होगा। बट अभी हमको एक एंगल के रूप में सिंगल फेस के बारे में लेना है। सिंगल फेस में देखिए, ये आपका फेस में सेंटर में एक लैटिस पॉइंट है, ये किनारे में एक लैटिस पॉइंट है और ये के किनारे में लैटिस पॉइंट है। तो देखिए आपका एंगल क्या बना, ए बी सी। अब तीनों लैटिस को एटम मान करके हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बन गया, देख रहे सर्कल बन गया। अब तीन सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। सो गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस आर, इस एटम का ये फर्स्ट रेडियस आर, फिर यहाँ से यहाँ ये रेडियस आर, फिर इस थर्ड एटम का जो गोला है उसका रेडियस आर, यानी कि फेस डायगोनल जो एसी है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। गौर से देखिएगा, तीन गोला है, मैं अलग से भी आपको बना करके बता देती हूँ, ये गोला ये गोला ये गोला, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आपका 1r, यहाँ से यहाँ आपका 2r, यहाँ से यहाँ आपका 3r और यहाँ से यहाँ आपका 4r, यानी आपका जो फेस डायगोनल है एसी वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एसी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप गौर से देखेंगे, आपका जो साइड है ए बी ए है और आपका बी सी है ए, आप देख लेंगे एसी आपका क्या है, 4r है, तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी आपका ए का स्क्वायर, बी सी आपका बी का स्क्वायर। गौर से देखेंगे, इसीलिए 4r इज इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हुआ ना। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा ना। आप देख लीजिए 4r इज इक्वल टू रूट टू ए निकला। अब आपको निकालना है r रेडियस, सो r इज इक्वल टू रूट टू ए बाय 4, यानी आपका एक रिलेशन निकल गया कि ये जो आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो एटम का रेडियस है वो रूट टू ए बाय 4 निकल गया। अब गौर से देखिए, हमको एज लेंथ भी निकालना है, तो ए को हम इधर ले आएंगे, तो सेकेंड आपका निकल गया रिलेशन
सेकेंड आपका आ गया ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4R बाय रूट टू, दोनों रिलेशन आपका निकल गया। ठीक है, अब आ जाइए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। गौर से देखिएगा, मैंने फिर से एक यूनिट सेल बनाया है। यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स बट 8 लैटिस पॉइंट दिया हुआ है। आपको बताए थे कि एडिशनल एक लैटिस पॉइंट उसके बॉडी के अंदर होता है। सो बॉडी के अंदर एक लैटिस पॉइंट मैंने डाला। अब इस दोनों का डायगोनल मानते हुए AD मैंने एक एज लेंथ खींच दिया। अब गौर से देखिए, यहाँ पर आपको ACD एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब AD आपका क्या है? बॉडी डायगोनल है। AD क्या है? बॉडी डायगोनल है। अब बॉडी डायगोनल AD इज इक्वल टू 4R। सो गौर से देखिएगा, ये तीनों आपका है ना, गौर से देखिएगा, ये गोला और ये गोला, ये आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ ये 4R, यहाँ से यहाँ 4R, यहाँ से यहाँ सॉरी R, यहाँ से यहाँ R। अब ये AD जो है बॉडी डायगोनल, ये किसके बराबर है? 4R के बराबर है। गौर से देखिएगा, तीन आपका एटम स्फेयर के रूप में है, तीनों का मैंने रेडियस लिया है, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस, और थर्ड वाले गोले का यहाँ से यहाँ ये रेडियस। यानी AD जो बॉडी डायगोनल है वो किसके बराबर है? आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू 4R। चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता लेकर फिर से इसे सॉल्व करते हैं। गौर से देखेंगे, AD इज इक्वल टू 4R। ठीक है, अब AD स्क्वायर क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब गौर से देखिए, AD आपने क्या लिया है? 4R, तो 4R का स्क्वायर मैंने दिया। अब देखिए, AC आपने रूट टू A निकाला था फर्स्ट में, यहाँ गौर से देखिएगा, AC आपने जो निकाला था, ये 4R जो मेरा हुआ था लास्ट में क्या निकला था? ये रूट टू A निकला था AC। ठीक है, गौर से देखिएगा, रूट टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यहाँ देखिए भुजा आपका AC ए स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो AC मेरा तो निकला, AC ऑलरेडी निकला हुआ था 2A स्क्वायर। सो 2A रूट टू A का स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा। फिर से समझिए, AC आपका रूट टू A इसमें निकला हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट करके 2 हो जाएगा और A का स्क्वायर आ जाएगा, और आपका CD तो A है ही, CD आपका A है ही, तो कितना हो गया? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर ना हुआ? यदि हम इसको AD को 4R का स्क्वायर लिए हैं तो 4R इज इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और 4R इज इक्वल टू रूट अंडर 3A स्क्वायर। गौर से देखिएगा, जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 3A स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा तो ये रूट आ गया ना, इसीलिए 4R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट थ्री ए। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये A आ गया ना, और इसका हटेगा तो क्या है? ये तो रूट थ्री के अंदर है ही आएगा। अब आपको R निकालना है, रेडियस निकालना है। सो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट थ्री ए, था ही ना, ये 4 जो है सो क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। तो रेडियस वाला रिलेशन आपका निकल गया। अब आपको एज लेंथ निकालना है। सो देखिए, एज लेंथ अब ये यहाँ से लेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 4R बाय रूट थ्री, दोनों रिलेशन आ गया आपका। इस तरह से आपने देखा कि रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ जो आपका यूनिट सेल का है वो सिंपल में, फेस में, बॉडी में, तीनों रिलेशन आपका निकल गया। फिर हम आगे आपको बताएंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।